ये देख लें भाई, ये माछ दाल थी तकरीबन 520 रुपए किलो। सही, अब ये मिलेगी आपको 420 रुपए किलो, तकरीबन 100 रुपए किलो पे कम हुआ है माछ दाल। 100 रुपए किलो पे कम है भाई, 100 रुपए माछ की दाल पे कम हो गया भाई। 100 रुपए किलो पे कम है, ठीक है तभी भाई, 100 रुपए कम हो गया भाई। मतलब दुकानदार इलाकों में, कोई इलाके वाला आया, दुकानदार आया, कोई एक किलो लेने आया या 50 किलो लेने आया, 420 रुपए किलो ही मिलेगी। ठीक है, और ये वाली, ये भाई 280 रुपए किलो बेचते थे हम लोग, ये 230 रुपए किलो हो गई, 60 रुपए किलो पे इस पे कम। अच्छा, 60 रुपए इस पे, 60 रुपए किलो, क्योंकि अभी ये बहुत रेट कम हो गए हैं, बहुत ज्यादा ही रेट कम हो गए। लोग आवाम बोलती है रेट कम नहीं हुए, कम नहीं हुए, ये आवाम के लिए रेट कम हुए मेरे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई हम जोड़िया बाजार पहुँचे डबल ए ट्रेडर्स पे, जो डबल ए ट्रेडर हर दफ़ा जो है ना, हर पूरी मार्केट में से एक आम ग्राहक को भी सामान देता है, और वो भी होलसेल रेट पे देता है। और रेट, क्योंकि अभी रेट बहुत सस्ते हो गए, दालों पे रेट गिरे हैं भाई, 100 रुपये किसी दाल पे रेट गिरे हैं, किसी पे 60 रुपये दालों पे रेट गिरे हैं, चावलों पे 50-50 रुपये, 40-40 रुपये गिरे हैं, हर बंदा आपको नहीं बताएगा। तो हम आए हुए डबल ए ट्रेडर्स पे और उनसे सारे रेट लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। देखें टोटा चावल ये तकरीबन था 180 रुपए किलो। अच्छा, तकरीबन ये हो गया 130 रुपए किलो मेरा भाई। ये देख सकते हैं टोटा चावल बासमती का, माशाल्लाह। हम लोगों ने खुद इसी शॉप, बड़ी प्यारी है आपके सामने, खाली ये मतलब दावा उठा रहा हूँ, मिल रही है खुशबू मेरे भाई, खुशबू भी बड़ी प्यारी है। पुराना चावल है बासमती का, टोटा आम रूटीन में डेली यूज में खाने वाला चावल है ये। सही है, ये 130 रुपए किलो। ये कोई बंदा 10 किलो लेके जाए या 100 किलो लेके जाए, ये 130 रुपए ही लगेगा भाई। 1 किलो भी मिलेगा, 10 किलो भी मिलेगा, जब भी यही रेट लगेगा 130 रुपए। इसके बाद देखें 240 रुपए किलो पोनिया, ये 240 रुपए किलो पोनिया था मेरा भाई। ये देख लो भाई क्या रेट हो गया, 190 रुपए किलो मेरा भाई, 190 रुपए रेट हो गया भाई। इसके रेट, ये चावल, दाल चावल, खिचड़ी, पुलाव वगैरह सब बनेगा, सब बनेगा। नॉर्मल चावल लेता है डेली यूज के लिए, कैजुअल के लिए बंदा इस्तेमाल कर सकता है ये चावल। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्वांटिटी वगैरह मिलेगा 5-7 रुपए की लचक और हो जाएगी, हो जाएगी। काबिज भाई सबसे पहले अपना एड्रेस बता दें लोगों को। ये देखें भाई, मेन जोड़िया बाजार है, सामने सिटी कोर्ट है, सिटी कोर्ट के सामने, सिटी कोर्ट के सामने बिल्कुल आएंगे, अहमद केमिकल वाला है, अहमद केमिकल गली गली में आएंगे, बैंक इस्लामी पड़ता है मेरा भाई, बैंक इस्लामी, बैंक इस्लामी के सामने बिल्कुल, माशाल्लाह डबल ए ट्रेडर्स के नाम से शॉप है हमारी। ये शॉप देख लें, अकबर भाई के नाम से ये हमारी शॉप का कार्ड है, व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 0317184275। ये हमारे ऑनर का नंबर है। छुट्टी किस दिन होती है? संडे छुट्टी होती है हमारी, बाकी वर्किंग 6 दिन खुली रहती है हमारी। टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से रात 7 बजे तक। क्या हो गई भाई? भाई देखे इलाके में चीनी बिक रही है 150 रुपए किलो। हाँ, ये जोड़िया बाजार के अंदर मिल रही है 140 रुपए किलो। ये भी मोटा दाना भाई, ये बिल्कुल मोटा दाना है मेरा भाई, दरमियान का दाना होता है, आप चेक कर सकते हैं। ये खाने में 140 रुपए किलो मेरा। एक किलो भी लेने आएगा, एक किलो लेने आए या 50 किलो लेने आए, 140 रुपए किलो मिलेगी होलसेल रेट में भाई, होलसेल रेट पे मिलेगी। डबल ए ट्रेडर्स पे आए आप, और डबल ए ट्रेडर्स पे आपको हर चीज मिलेगी, और वो भी मिलेगी सस्ती। काबिज भाई के पास भाई जोड़िया बाज़ार में आ गए, और जोड़िया बाज़ार में क्योंकि रोज़ रोज़ आटा, चीनी, दालें, इनके रेट गिर रहे हैं, तो मैंने बोला आज जो है ना आपको आटा, दाल, चीनी के नए रेट बताएं कि भाई अब क्या हो गए, मार्केट में क्या चल रहे हैं और इलाकों में क्या चल रहे हैं। क्योंकि चावल जो है ना 50 रुपये से 60 रुपये सस्ता, एक किलो पर सस्ता हुआ है। तो हम आ गए जोड़िया बाज़ार, और मैंने बोला जोड़िया बाज़ार में जो है ना आपको रेट बताएंगे ताज़ा, क्योंकि गर्मी हो रही है बड़ी सख्त, और आज जोड़िया बाज़ार में भी जो है ना सन्नाटा पड़ा हुआ है, ये देखें बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। तो माशाल्लाह जो है ना रेट बड़े कम हो गए, रेट पता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है? ताबिश हुसैन बड़े भाई। ताबिश हुसैन भाई, ताबिश भाई कैसे हैं? बस दुआएं आप भाई। ताबिश भाई सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं भाई, रेट कितने नीचे आए आटा दाल चावल पे? खुशी है तकरीबन 30-40 रुपए किलो के ऊपर चावलों के ऊपर कम हुए मेरे भाई। अच्छा, सारे चावलों पे, किसी पे 40 है, किसी पे 50 है, किसी पे 30 है। अच्छा, और किस किस चीज़ों पे? दालों पे, बाकी दालों पे भी तकरीबन 30-40 रुपए किलो पे कम हो गई। 320 रुपए किलो दाल थी लाल मसूर, वो तकरीबन 260 रुपए किलो हो गई मेरे भाई। अच्छा, काली दाल तकरीबन 300 रुपए किलो थी मेरे भाई, वो 240 रुपए किलो हो गई है। अच्छा, हाँ, चना दाल 260 रुपए किलो थी मेरे भाई, वो 240 रुपए किलो हो गई है। बड़ी दाल पे VIP वाली रशियन दाल कहलाती है। चने भी तकरीबन 40-50 रुपए किलो चनों के ऊपर गिरेगा, जो 450 रुपए किलो चना था ना, वो तकरीबन आपको मिल जाए 370 रुपए किलो। अब चावलों के रेट बताएं हमारे को सबसे पहले, तो ताबी भाई कौन सवाल है और साल का कौन सा? ये देखें बासमती टोटा चावल है, बासमती का टोटा तकरीबन 170 रुपए किलो हम लोग बेचते थे। अच्छा, अब 130 रुपए किलो मिल रहा है, 130 रुपए हो गया, 130 रुपए किलो हो गया मेरे भाई।
सही ये है। प्योर बासमती है, खुशबू वाला चावल है, खुशबू वाला पके तो बेहतरीन चावल है। अच्छा ये देख लें भाई, इसके बाद थोड़ा थोड़ा हाई फाई का टोटा आता है जो आम में डेली यूज में वगैरह में खाते हैं लोग, ये तकरीबन 210 रुपए किलो है। ये था तकरीबन पहले 230 रुपए था, लेकिन वो ये है अब तकरीबन 170 रुपए किलो मेरे भाई, 170 रुपए किलो। आप देख सकते हैं 210 रुपए लिखे हुए मेरे भाई, सही है 170 रुपए किलो टोटा हो गया, तकरीबन 40 रुपए किलो पे गिर गया मेरे भाई, 40 रुपए, 40 रुपए किलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भाई है भाई बिरयानी का चावल, तकरीबन 280 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, तकरीबन इस पे 255 रुपए किलो आपको मिलेगा मेरे भाई। ये 235-25 रुपए किलो पे गिर रहा, ये 255 रुपए मिलेगा, बड़ा जबरदस्त चावल है माशाल्लाह बिरयानी का काबिल भाई। ये वाला ये देखें बासमती का बिरयानी का चावल है, 290 रुपए किलो हम लोग बेचते थे वाला चावल, अभी तकरीबन आपको 260 रुपए किलो मिलेगा मेरा, 260 रुपए किलो, भाई ये देख ले माशाल्लाह 240-40 रुपए किलो पे मेरा भाई कम हो गए हैं। ये बिरयानी का डबल एक्सल चावल है, कायनात 11 किस धमाके के नाम से बिकता है, बिल्कुल ये लोग अपने नाम से ही आके मांगते धमाका चावल। ये 340 रुपए किलो हम लोगों ने लगाया हुआ था मेरा भाई, तकरीबन आपको 310 रुपए किलो मिलेगा, 310 रुपए किलो मिलेगा मेरा भाई, ये डबल एक्सल चावल है बिरयानी। अच्छा? डबल एक्सल, डबल एक्सल के बारे में देखें, सुपर सेला, सुपर सेला 260 रुपए किलो है, ठीक है, ये तकरीबन आपको 235 रुपए किलो मिलेगा मेरा, 235 रुपए किलो, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं मेरा भाई ये इलाके में तकरीबन 300 रुपए किलो बिकता है, 300 रुपए हम यहाँ पे 235 रुपए किलो देंगे मेरा, ठीक है माशाल्लाह। चावल भी माशाल्लाह बेहतरीन सेला, बिरयानी पुलाव जरदा सब बनेगा इसके अंदर। ये देखें 280 रुपए किलो वाला सेल है, ठीक है भाई, इसी का सेल है, उससे थोड़ा ऊपर हाई फाई का सेल है, हाई फाई का। अभी क्वांटिटी वगैरह में कोई किलो दो किलो लेगा उसके लिए भी 19-20 रेट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में लेगा उसके लिए भी अलग रेट है, अलग रेट है भाई। तकरीबन ये आपको 250 रुपए किलो पड़ेगा, 250 रुपए भाई, 250 रुपए किलो हाई फाई, 30 रुपए माशाल्लाह। ये देखें भाई, इसके बाद प्योर बासमती का चावल इलाके में 270 रुपए किलो बिकता है, हम देंगे यहाँ पे 210 रुपए किलो, 200 रुपए किलो भी ले, क्वांटिटी वाला कोई इंशाल्लाह ले, 25 किलो भी हम 200 रुपए किलो भी लगा के दे देंगे आप, 25 किलो लेता है कोई, ठीक है। इसके बाद ये बिरयानी का डबल एक्सल चावल है, ठीक है, ये तकरीबन इलाके में बिकता है 400 रुपए किलो, 400 रुपए हम देंगे यहाँ पे 325 रुपए किलो मेरा भाई, 325 रुपए किलो लगा के देंगे मेरा भाई, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने 360 रुपए किलो बेचते हैं यहाँ पे, सही, कोई कट्टा लेके जाए कोई कुछ लेके जाए 345 रुपए किलो लगता था, अभी तकरीबन 325 रुपए किलो लगेगा, 325 रुपए लगेगा माशाल्लाह। दागी चावल मेरे भाई, ये क्या रेट, ये तकरीबन 280 रुपए किलो है, हम लोग यहाँ बेचते हैं मेरे भाई, इलाके में बिकता है 300 रुपए किलो, एक नंबर चावल का दाना, ये आपको पड़ेगा 260 रुपए किलो, 260 रुपए पड़ेगा माशाल्लाह, बेहतरीन चावल। इसके बाद इसी दरमियान का चावल आता है, देख लेंगे 260 रुपए किलो, ये भी दागी चावल कहलाता है, ये आपको पड़ जाएगा 240 रुपए किलो, 240 रुपए, 240 पड़ जाएगा, 235 भी पड़ जाएगा बड़े भाई, क्वांटिटी वगैरह के अंदर माशाल्लाह क्वांटिटी ज्यादा। अभी ये धमाका चावल मैंने आपको बताया 340 रुपए किलो, इसके बाद ये बासमती का चावल आता है धमाका, ये भी 3-4 किस्म के नाम के धमाका चावल आते हैं अलग अलग करके मेरे भाई, ये पड़ जाएगा आपको 295 रुपए किलो मेरे, 295 रुपए किलो पड़ेगा, इलाके में तकरीबन 360 रुपए किलो चावल मिलेगा, ठीक है भाई। दुकानदारों से भी भेज सकते हैं मेरा भाई, चावलों पे रेट गिर गए हैं, आवाम को भी बोलना चाहिए कि दुकानदारों को भी रेट गिर गए हैं, आप लोगों को भी गिराने चाहिए मेरे भाई, जोड़िया बाजार के अंदर चावलों के रेट गिर गए हैं, लेकिन छोटी दुकानदार वाले रेट नहीं गिरा रहे, रेट नहीं गिरा रहे, रेट नहीं गिरा रहे मेरा भाई, तो उसी रेट में बेच रहे हैं जो रेट में यहाँ से पहले बेच, ठीक है। इसके बाद देखें खुशबू धमाका, ये भी है, ये चावल 380 रुपए किलो बिकता है इलाके में, अच्छा सही है भाई, है हम देंगे आपको यही 295 रुपए किलो, सही है माशाल्लाह, 295 रुपए किलो चावल है, वही बिरयानी का धमाका चावल है, बासमती का स्टीम चावल कहलाता है, ये एक्सल चावल आप देख में बनाए पतीली में बनाए तकरीबन एक्सल चावल बनेगा ये आपका, अच्छा माशाल्लाह। इसके बाद ये चिलगोजा सेला, चिलगोजा सेला अपने नाम से बिकता है, हमने शादी ब्याह में देख में तकरीबात वगैरह में जो खाना खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ गए, ये वाला सेला है मेरा भाई, सही, ये बिकता था पहले 340-320 रुपए किलो, अब पड़ेगा ये आपको 300 रुपए किलो, 300 रुपए, 300 रुपए किलो पड़ेगा मेरा भाई, देख सकते हैं मेरा भाई 300 रुपए किलो पड़ेगा, ठीक है भाई। इसके बाद देख ले चना, ये हम लोगों ने तकरीबन 450 रुपए किलो बेचा था, अच्छा चना, ये 9 mm काबली चना कहलाता है, अब तकरीबन ये आपको पड़ेगा 370 रुपए किलो मेरा भाई, 370 रुपए किलो मेरा भाई, ठीक है। और ये वाला चना कौन सा, ये 8 mm चना कहलाता है, मार्केट में इसको 9 mm चना करके बेचते हैं, लेकिन 9 mm चना होता नहीं है, ये नहीं है, ये तकरीबन आपको पड़ेगा 290 रुपए किलो, ये बिकता था 350 रुपए किलो, लोग अब भी बेचते हैं 320-330 रुपए किलो, लेकिन 290 रुपए किलो का रेट है, 290 रुपए 8 mm चना है, 8 mm सही है,
ये वाला 12 mm चना है मेरा 12 mm 12 mm ये बिकता था 450 रुपए किलो, हम लोगों ने भी बेचा है मेरे भाई। सही, अब हमने भी 450 रुपए किलो बेचा है। ठीक है, अभी तकरीबन आपको पड़ेगा 390 रुपए किलो, 390 तकरीबन 60 रुपए किलो का कम हुआ इसके ऊपर। अच्छा, 60 रुपए किलो पे मेरा भाई कम हुआ है। 12 mm का चना है, बिल्कुल मोटा वाला, ये देखना दाना भी कितना मोटा, दाना भी भाई बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा ताबी भाई, ये लोबिया, ये सफेद लोबिया भाई तकरीबन 360 रुपए किलो था। हाँ, अब ये तकरीबन हो गया 290 रुपए किलो मेरा, 290 रुपए किलो हो गया भाई माशाल्लाह। का सफेद लोबिया का ज्यादा है माशाल्लाह, अच्छा दाना होता है। और लाल वाला, लाल वाला होता हम लोग 620 रुपए किलो बेच रहे थे। हाँ। अब तकरीबन ये हो गया 570 रुपए किलो मेरा भाई, 570 रुपए किलो हो गया लाल लोबिया। कैप्सूल लोबिया होता है, पिटावरी कहलाता है, खाने में जायके वाला होता है, इसमें दो किस्म के लोबिया आते हैं। अच्छा ताबी भाई, दालों में, दालों में देखें लाल मसूर 320 रुपए किलो थी मेरे भाई, ठीक। अब तकरीबन ये 250 रुपए किलो हो गई है, 250 रुपए किलो लाल मसूर मेरा भाई, तकरीबन 70 रुपए किलो पे कम हुआ मेरा, एक किलो पे कम, एक किलो पे 70 रुपए मेरा भाई। इसके बाद देख लें काली मसूर, काली मसूर 300 रुपए किलो बिकती थी। सही सही है भाई, 240 रुपए किलो हो गई है, 240 रुपए काली रेट गिर गई। चना दाल देख लें भाई, 250 रुपए किलो बिकती थी, 250 से 240 रुपए किलो हो गई चना दाल, इसमें इसमें कम नहीं हुए मेरा भाई, इसमें 5-10 रुपए कम हुआ खाली। अच्छा हाँ, किस दालों में 60-60 रुपए कम हुए तो किस दालों में 5-10 रुपए का फर्क आया मेरा। अच्छा हाँ, ये भी आवाम को सोचना चाहिए कि इतना फर्क आ गया तो उसमें क्यों नहीं आया। सही हाँ, ये बता दें आवाम सोचना, वीडियो देख के लोग आती ना, आपने तो वीडियो में इतने बताया इतने नहीं बताया, पूरी वीडियो देख कर आइए क्या रेट बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। सही, इसके बाद देख लें माश दाल होती है, ये 520 रुपए किलो थी। सही, अभी हो गई 420 रुपए किलो मेरा भाई, 100 रुपए कम, 100 रुपए कम किलो पे मेरा भाई, दाल पे 100 रुपए कम माश दाल पे। इसके बाद ये देखिए 260 रुपए किलो बिकती थी खिचड़ी की दाल। हाँ, अभी हो गई 200 रुपए किलो मेरा भाई, 60 रुपए किलो पे इससे कम हो गया, 60 रुपए इससे कम, सीधे सीधे 60 रुपए मेरा भाई। आवाम के लिए ये रियायत है, इलाके में तकरीबन 280 रुपए किलो बिकती है, यहाँ पे ले गया 200 रुपए किलो मिलेगी मेरा भाई। ठीक हो गया ताबी। इसके बाद देख लें मूंग दाल है, तकरीबन 280 रुपए किलो बिकती थी। हाँ, अभी 230 रुपए किलो मिलेगी मेरा भाई, 230 रुपए किलो मूंग दाल मेरा। हाँ, प्योर मूंग दाल है, प्योर, कोई मिक्सिंग वाली दाल नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं, छोटी दाल कहलाती है काबली, ठीक है, फ्राई दाल कहलाती है मेरा भाई। काला चना देख लेंगे, ये 200 रुपए किलो मेरा भाई, 230 रुपए किलो बिकता था सीजन, हमने खुद बेचा है 230-220, अभी 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो मेरा भाई, इसमें इतना कोई मार्जिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही है। अच्छा जी, बाज़ार में आटे का रेट है 4600 रुपये और 4500 रुपये, यानी 92 रुपये किलो और 90 रुपये किलो आटा पड़ेगा।